तो दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी छोटी सी जगह खाली पड़ी है ना, तो वहां से भी आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो, जिससे आप दिन का 5,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हो। और आपको मैं ऐसा सेटअप बताऊंगा जो कि घर की बिजली पे आप शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों ये है छोटी सी मशीन, ये है छोटा सा सेटअप जो कि आज पूरे भारत में, पूरे YouTube पर, पूरे Facebook पर, पूरे Instagram पर, मैं गारंटी देके कहना चाहूंगा कि ये ऐसा छोटा सा सेटअप ना आज आप पहली बार देखने वाले हो। और दोस्तों इस छोटे से सेटअप से ना आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो, 3 से 4 टाइप के 5 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ 2 से 3 प्रोडक्ट्स ही बना के दिखाऊंगा टाइम की वजह से, बट आप इसमें अलग अलग डाई लगा के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो। मतलब आपका एक प्रोडक्ट नहीं चला तो आप दूसरा कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हो। इन सारे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा मार्केट में। तो हेलो मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी है पूजा एंटरप्राइजेस से। हमारी कंपनी आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आई है जो कि बहुत लाखों में शुरू होता था, बट अभी आप उसे कुछ हजारों में शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे कि हमें ये बिजनेस शुरू करना है, लेकिन हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमारी कंपनी ने एक ऐसा मशीन का सेटअप बनाया है, घर की छोटी सी जगह से प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो और घर बैठे प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हो। तो आगे नीतीश जी हमें पूरा डिटेल समझाएंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है। तो सर ये क्या सिस्टम है जरा बताइए। और सबसे अच्छी बात यह है इस प्रोजेक्ट की कि एक ही मशीन से आप अलग अलग टाइप के आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका डिमांड हर रोज रहता है। अच्छा। और बार बार रिपीट रहता है और डेली यूज में रहता है। तो सर अगर कोई ये प्रोजेक्ट अपने घर से शुरू करके प्रोडक्शन भी स्टार्ट करता है और मार्केट में ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के बेचता भी है, तो इसमें कमाई कितनी हो सकती है वो जरा बताइए। सर देखिए, अगर ये छोटी सा सेटअप आप लगा लेते हो ना घर में, तो मिनिमम कह रहा हूँ सर 5,000 तो कहीं नहीं गए पूरे दिन के आपके। तो 5,000 तो मैं एश्योर बोल सकता हूँ कि 5,000 तो आप कमा ही सकते हो। तो दोस्तों आगे सर हमें बताएंगे कि कैसे आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसे अपने घर में सेटअप करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट्स अलग अलग बनाने, वो सर हमें पूरा लाइव बना के दिखाएंगे। उसके बाद मार्केटिंग कैसे करनी है, बना तो लेते सब लोग, बेचते हैं कैसे, उसका भी टिप्स एंड ट्रिक्स। और दोस्तों मेरी मेहनत के लिए और सर की मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही हटके बिजनेस आइडियाज आपके सामने प्रेजेंट करने। ठीक है दोस्तों, तो आपने मशीन देख ली है, अलग अलग डाइया भी देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट इससे निकलते हैं उसके लिए आपको अलग अलग रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, मात्र एक रॉ मटेरियल की जरूरत है जो कि आराम से अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। तो आप ये देख ही रहे हैं नीचे। अब अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, मैदा चाहिए। मैदे से आप हर चीज़ का अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो उस मशीन से। और हमको क्या, एक रेशियो में आपका जो घर का पानी होता है वो यूज़ करना है, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा साफ सफाई के साथ आपको ये काम करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पूरा मिक्स करना है। दोस्तों ये जो मैदा है जो हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसे मैंने व्यू प्रोडक्ट में टैग किया हुआ है। तो जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे तो आप यहाँ से खरीद कर इसे अपने बिजनेस में यूज में ले सकते हो। और मैदा हर टाइप का मैदा अवेलेबल है मार्केट में इजीली। कोई भी टाइप का मैदा चल जाएगा, कोई भी टाइप का मैदा चल जाएगा सर। आपको जैसी क्वालिटी का बनाना हो उस हिसाब का आप ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और उसको इस तरह से मिलाना है कि वो ज्यादा घुट ना जाए। आटा नहीं बनाना है ना? आटा नहीं बनाना है, आटा बिल्कुल नहीं बनाना है। जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं वो बिल्कुल नहीं बनाना है, एकदम नॉर्मल आटा, मतलब नॉर्मल थोड़ा सा पानी मिल जाए तो क्या है उसे इधर उधर भागे नहीं। वो आटा आपको गूंदना नहीं है, पेस्ट नहीं बनाना है उसका। अब देखिए धीरे धीरे रेडी होता जा रहा है। हाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि आटा कितना खुला खुला है, ऐसे जैसे हम लोग घर का रोटी बनाने वाला आटा गूंदते इस तरह नहीं गूंदा है, एकदम खुला खुला गूंदा है जिससे मशीन में आराम से वो चल सके। तो इस तरह का ट्रे हम लोग है ना नीचे रख रहे हैं सेफ्टी के लिए और थोड़ा सा हाइजीनिक रहे, जिससे हमारे जो आउट प्रोडक्ट है वो बाहर इसमें डायरेक्ट आए। तो सबसे पहले मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा चाइनीज की उसमें ज़्यादा जाता है कैटेगरी में, वो है नूडल्स का सर, ठीक है। जो और नूडल्स के लिए सब बड़ी बड़ी मशीन लगाते हैं, 2.5-3 लाख रुपए की मशीन लगाते हैं, बड़ी बड़ी मशीन है, बड़े बड़े कारखाने। मैंने इतनी सी स्पेस में नूडल बना के दिखाऊंगा इस मशीन से, ठीक है। कुछ आटा अलग से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आटा डालो और आपका नूडल रेडी निकल जाएगा। आप देखिए प्रोडक्शन कितनी स्पीड में होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्रोडक्ट आप इस मशीन से निकाल सकते हो, तो इस तरह ही अलग अलग प्रोडक्ट की डाई होती है। अब उसमें से एक डाई ये है जिसे मैं अभी लगाने वाला हूँ। तो अब हम लोग डाई लगाएंगे। हर डाई बहुत इजी से लगा सकते हो और आराम से उसको निकाल भी सकते हो, खाली आपको बाहर से डाई निकालनी है और आपका इजीली काम चालू हो जाएगा। अब जैसे कि ये डाई है, इस डाई को मैंने यहाँ लगाया, उसके बाद इसका जो मैंने इसका जो कैप है उसको लगा लिया। फिट करने के लिए आपको टूल्स वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ से मिलेगा, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं रखनी है। ये आपका पूरा एक सेट हो गया है एक डाई के लिए। अब हमारा रॉ मटेरियल रेडी हो चुका है, अब हमें डायरेक्ट इसे मशीन में डालना है और अपना जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, ये एक जो स्विच है उसे ऑन करना है। घर की सिंगल फेस की जो हमारी होती है लाइट, उसी से चालू करना है। तो कभी टेंशन मत लो कि घर से चालू होगा कि नहीं होगा, घर से चालू हो जाएगा।
इस तरह से पूरा चालू हो गया है। ये होपर में डालना है, ये धीरे धीरे इसमें जाता रहेगा। अब आवाज चेंज हो गई है, मतलब कि आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है जल्दी से। आप ये देखिए किस तरह से स्पीड में प्रोडक्शन चालू भी हो गया है नूडल्स का। ऊपर से खाली रॉ मटेरियल डालना है, नीचे से माल आपका इस तरह चालू हो जाएगा। आप ये देखिए सीधा लेंथ देखिए, लेंथ पूरी लेंथ आपको आएगी। आपको जितना काट के पैकिंग करना है उतना आप कर सकते हो सूखने के बाद। एक एक लाइन देखिए बिना टूटे इतनी लंबी लंबी लाइन निकल रही है, ढाई ढाई लाख की मशीनें नहीं निकाल पाती। ये देखिए देख सकते हो सर, आप लेंथ देख सकते हो, तो मैंने मशीन में से निकाला है तोड़ के, अदरवाइज और भी लंबी लेंथ लगती है इसकी। और पूरा सफाई से देखिए, एक एक नूडल की सफाई देखिए, मोटाई देखिए एकदम बराबर है, फिनिशिंग देखिए। और आप ये देखिए तुरंत सूखता जा रहा है, टाइट हो गया। जो भी जब भी आपका प्रोडक्शन चालू हो ना, उसमें से ऐसे लच्छे निकाल लेने हैं, और लच्छों को क्या करना है कि तोड़ तोड़ के अपनी पैकेजिंग में डालना चालू कर देना है। तो आपका क्या होगा, पैकेजिंग में है ना ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा इस तरह से। अब क्या करना है कि इस तरह की थैलियाँ आती हैं मार्केट में, और हम भी साथ में देंगे अगर आपको चाहिए तो। देखिए पैक देखिए सूखना भी चालू हो गया है। किस टाइप की थैली आती है सर, कितने देर सुखाना ही है? सर देखिए अगर मैं सही बताऊं, अच्छी धूप अगर आप अच्छे से सुखा रहे हो, अच्छा वो है मॉइस्चर वगैरह है अगर, तो आपको कम से कम 2 घंटे तो चाहिए चाहिए। ठीक है, 2 घंटे के बाद जब आप इसको सुखा देंगे तो कुछ इस तरह का कड़क हो जाएगा। ये देखिए आपको आधा किलो या 1 किलो 250 ग्राम जिस जैसा आपको पैकिंग करना है आप वैसा पैकिंग कर सकते हो। मार्केट में भी अवेलेबल होता है पन्निया, अगर नहीं आपको पता चल रही है तो आप जब ऑर्डर दें मशीन का तो उसके साथ भी हम लोग आपको दे देंगे। देखिए इस तरह से आपको पूरा पैकिंग करना है, आधा किलो का बंडल कुछ इस तरह से बनता है। आपको 1 किलो का 2 किलो का जैसी आपकी डिमांड है मार्केट में आप उस तरह कर लेने का है। और उसके लिए आपको एक सीलिंग मशीन होती है, अगर वो चाहिए तो वो भी हम आपको देंगे, मैं उसे आपको सील करके दिखा देता हूँ। अभी आपका माल रेडी है पैकेट मार्केट में सेल होने के लिए। तो नेक्स्ट मैं आपको जो भी प्रोडक्ट बताऊंगा वो इसी तरीके से बनेंगे, इसी तरह के सूखेंगे और इसी तरह से पैक होंगे, और मटेरियल सब में एक ही लगेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये डाई का कवर है इसको खोल लेना है, इस तरह से जो डाई है उसको इस तरह से निकाल लेना है। अच्छा। ठीक है, अब हम लोग नया डाई लगाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ये अब हम लोग दूसरी डाई लगा रहे हैं, बहुत आसान होते हैं। आप देखिए खाली डाई लगाई, चेंज किया और टूल से इसको टाइट कर देना है, सेम तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि हम लोग ये क्या बना रहे हैं। देख रहे हो किस तरह से प्रोडक्शन स्पीड में निकल रहा है। ये हमने दूसरा प्रोडक्ट बनाया है सेम मटेरियल यूज़ करके, ये देखिए। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि ये क्या बन रहा है। तो सर क्या बोला जाता है इसको मार्केट में? सर इसको पास्ता बोलते हैं हम लोग, जो आप अपने रेस्टोरेंट या घर में बनाते हो ना वो पास्ता है ये। वाह, इसकी भी बहुत बड़ी बड़ी मशीन आते हैं सर, अलग अलग मशीन खरीदते हैं इसके लिए भी। लेकिन हमने तो देखो सारे प्रोडक्ट एक ही मशीन से बनवा रहे हैं। अब आप फिनिशिंग देख लो, और देखो सूखना भी चालू हो गया है माल, देखिए कड़क होना चालू हो गया है। तो कोई ऐसा पूछे कि भैया इसको सुखाने के लिए क्या चाहिए, कुछ सुखाने के लिए नहीं चाहिए, आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए, आपका मटेरियल फटाफट सूखता रहेगा। देखिए स्पीड देखिए कितना स्पीड में बना रहे हैं मटेरियल। तो सर अभी ये कितने देर सूखने के लिए रखना है? सर देखिए वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1.5 से 2 घंटे रखो, लेकिन क्या है कि आपका देखिए जैसे कि अभी गर्मी है चालू हो गई, तो देखिए इतनी स्पीड में सूखना चालू भी हो गया है, तो बनते बनते आपका प्रोडक्शन सूखना भी चालू हो जाता है। तो देखा जाए तो 15-20 मिनट लगती है सूखने में, तो लेकिन क्या है मॉइस्चर निकल जाए अच्छे से। तो मैं कहता हूँ हमेशा 1.5 से 2 घंटे रखो कि आपकी पैकेजिंग में सही रहता है। फिर वो आप देखिए जैसा कि मार्केट में जो आपको पास्ता मिलता है सेम लाइनिंग वाला, सेम देखिए आप फिनिशिंग देखिए और चीज़ की। अब इसे भी सेम वैसी पैकिंग करना है जैसे हमने हमारा नूडल्स किया था। सूखने के बाद कुछ इस तरह का पास्ता बन जाता है। आप इसको आराम से 1 किलो की आधे किलो की 250 ग्राम की थैली में पैक करके भी निकाल सकते हो मार्केट में। देखिए सर इस तरह का पूरा आपका पास्ता का जो हमने बनाया है
वो रेडी हो चुका है मार्केट में जाने के लिए। ये जो आप ब्लेड देख रहे हो जो है ये इस टाइम लग रहा है इसमें, तो ये क्या मदद करता है कि जो अभी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अलग अलग उसमें इसे काटने के लिए मदद करता है। तीसरी डाई लगा दी है, चालू तीसरी डाई लगा दी है तीसरे अलग प्रोडक्ट के लिए। तो आप देख सकते हो मार्केट में मिलने वाली मैक्रोनी बोलते हैं हम इसको। आप देख सकते हो फिनिशिंग देख सकते हो साइज देख सकते हो जो आपका मार्केट में अवेलेबल है सेम वही हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए आप देख रहे हो कितने आसानी से निकल रहा है और खाली एक आदमी की जरूरत है जो वहाँ पे मटेरियल डालता रहे और कुछ नहीं करना है अपना प्रोडक्शन बाहर निकलता रहेगा। ये भी आप सुखाने के लिए रख देंगे जैसे कि हमने नूडल और पास्ता रखा था पहले सेम उसी तरह से हमको पैकिंग भी कर देनी है। तो सर अभी जैसे हम लोगों ने इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए नूडल्स बनाए मैक्रोनी बनाए पास्ता बनाए, तो अभी समझो हम लोग मैदे से ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इसमें बनाने की जो कॉस्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है एक किलो की? हाँ जी। तो कितना प्रॉफिट होता है तो इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन जरा बता दीजिए। देखिए सर इसमें कैसा है कि अगर आप खाली रॉ मटेरियल की बात करो मैदे की बात करो तो वो आपको 30 रुपये किलो मिल जाता है मार्केट से, ठीक है। और इससे आप लोग हम लोग तीनों चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, या तीन या चार वेरायटी जो भी आपको बनानी हो इस चीज़ से बनता है। जो हमने जो कॉस्टिंग निकाली है लेबर की, लेबर हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अगर आप लेबर रखते हैं तो जो आपको कॉस्टिंग पड़ता है ऑपरेशन का जो हम लोग कहते हैं वो प्रति किलो 10 रुपये पड़ता है, ठीक है। तो 10 रुपये आपका जो ऑपरेशन कॉस्ट हो गया है और 30 रुपये आपका मटेरियल का कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो आपका टोटल जो प्रोडक्शन है प्रति किलो एक किलो के पीछे आपका 40 रुपये लग रहा है। बट वही अगर आप जो होलसेल में माल देते हैं तो एक किलो के ऊपर आपको 20 रुपये का प्रॉफिट मिलता है क्योंकि 60 रुपये में आपका होलसेल में जा रहा है, ठीक है। अगर यही चीज़ आप रिटेल या बड़े मार्केट में दूसरे मार्केट में देते हो डायरेक्ट मार्केट में देते हो तो 90 रुपये से लेकर 120 रुपये प्रति किलो आपका बिकता है मटेरियल। अच्छा, तो जो बात है कि एक लमसम प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रति किलो मतलब 1 kg के ऊपर प्रति किलो आपका आराम से 20 रुपये तो आराम से बड़ा बड़ा प्रॉफिट है। तो सर इसमें सब में सेम प्रॉफिट होगा मतलब जैसे जो भी बना रहे नूडल्स मैक्रोनी पास्ता वगैरह? नहीं नहीं सर, तीनों का मार्केट पूरा अलग है। सबसे पहली बात है कि कहीं किसी मार्केट में कैसा होता है कि मैक्रोनी का प्राइस ज्यादा रहता है, ठीक है, किसी में नूडल्स का रहता है, किसी में पास्ता का रहता है, तो वो तो आपके मार्केट पे रहता है कि आपके मार्केट में ज्यादा डिमांड किसकी और जिसका ज्यादा सप्लाई कहाँ हो रही है उस पर रहता है पूरा का पूरा। बट हमने जो बताया वो ओवरऑल जो हमने रिसर्च करी है जो पूरा का पूरा मार्केट में घूमे उस पर बताया हमने। तो सर इसमें प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं एक दिन में, हम लोग कितना किलो माल निकाल सकते हैं? सर देखिए सबसे पहली बात तो ये ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, इसमें बस खाली एक लेबर या फिर खुद जो ले रहा है हमसे खुद महिला या जो भी आदमी वो आराम से काम कर सकता है, बस वो मटेरियल रेडी करके इसमें डालना है। तो अगर मिनिमम में मिनिमम 8 घंटे कोई काम करता है तो 250 से 300 किलो तो आराम से निकाल सकता है। अब आप बात कर रहे हो कि प्रॉफिट की, भाई अगर मैं 250 किलो भी मान लूँ कि भाई दिन में एक दिन में 8 घंटे में कोई बैठ के 250 किलो भी प्रोडक्शन कर रहा है तो 20 रुपये के हिसाब से उसके 5000 रुपये दिन का कहीं नहीं गया। अच्छा, तो इस तरह से पूरा प्रॉफिट है। समझ लीजिए आप कहीं और काम कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप 250 किलो की जगह आधा उसका 150-100 किलो आप कर लो कम से कम, ठीक है। अगर 100 किलो भी आप करते हो तो 20 रुपये के हिसाब से आपके 2000 रुपये या 2500 रुपये कहीं नहीं गए। तो सर भी मेन बात है बना तो लेंगे बेचेंगे कैसे, वो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, कि मार्केटिंग कैसे करें, कहाँ कहाँ बिकता है ये सब वो जरा बताइए। अभी समझ लीजिए मैक्रोनी नूडल्स है वो क्या एंड कंज्यूमर चीज है कि एक बार खा ली तो वापस नहीं खरीदनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज है कि इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, ठीक है। नूडल्स मैक्रोनी पास्ता हर होटल में चलते हैं, हर घर में चलते हैं, हर बाहर नुक्कड़ पे अपने लारी वालों के चलते हैं, आप खुद खाने जाते हैं, हमारे कस्टमर खुद खाने जाते हैं, हम भी खाने जाते हैं। तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार बनाएंगे वो खत्म, आपको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा, तो उसकी सेल तो हमेशा रहने वाली है। और इसके लिए हमेशा फोकस इसलिए उस पे चीज पे करो, उस प्रोडक्ट पे करो जिसका डिमांड डे टू डे रहे। सप्लाई डायरेक्ट आप होटल में करो, रेस्टोरेंट में करो, होलसेलर रिटेलर या कोई किराना की दुकानें हो गई उन पे करो, क्योंकि आजकल तो सुपरमार्केट भी इतने सारे खुल गए। तो ये तो चीज ऐसी है कि जो हर स्टॉल पे आपको कहीं ना कहीं दिखेगी दिखेगी। और दूसरी बात है कि हमेशा मैं हमेशा हर दर्शकों को कहता हूँ जब भी हमसे वो जुड़ते हैं कि अपना ब्रांडिंग खुद बनाओ, अच्छे से उसको ब्रांड करो, रिप्रेजेंट करो, जितना अच्छा आप दिखाओगे उतना आपका सेल ज्यादा बढ़ेगा। और सर इन्वेस्टमेंट क्या आएगी अगर किसी को ये छोटा सा सेटअप लेके अपना बिजनेस शुरू करना है, तो इसमें मशीन कॉस्ट क्या आएगी और बाकी खर्चे क्या है उसमें जरा बताइए इन्वेस्टमेंट क्या? देखिए सर इन्वेस्टमेंट तो है ना मात्र आपका 60,000 है, 60,000 में आपको मशीनरी और डाई सब मिल जाती है, ठीक है। 60,000 का पेमेंट होता है आपका और उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज भी लेनी हो जैसे कि हमारे पास मिक्सर मशीन भी है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो आप मिक्सर मशीन लो, उसका हम लोग जब भी आप लोग हमसे डील करेंगे हम आपको बता देंगे, जितने भी आपको बड़ी छोटी लेनी उसके हिसाब से होता है। थैंक यू सो मच।